आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पालनीवाल थियापा राजन ने आज उस ऑडियो क्लिप को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर दावा किया गया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के परिवार के सदस्यों की संपत्ति पर टिप्पणी की थी। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने हाल ही में कथित क्लिप को ट्वीट किया था। उसमें दावा किया गया था कि पीटीआर ने डीएम के अध्यक्ष एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि और दामाद सबरीसन की संपत्ति के बारे में कुछ रहस्य उजागर किए हैं। पीटीआर ने दो पन्नों के एक बयान में कहा कि ऑडियो क्लिप दुर्भावनापूर्ण मनगढ़ंत थे और कहा कि कोई भी तकनीक की मदद से ऐसा ऑडियो क्लिप बना सकता है। पीटीआर ने बयान में ऑडियो क्लिप के फॉरेंसिक विश्लेषण के स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जो उनके अनुसार विपक्षी पार्टी के नेता द्वारा साझा किए गए क्लिप को स्पष्ट रूप से नकली साबित करते हैं। पीटीआर ने खुद को आज़ादी से बोलने का मजबूत समर्थन बताते हुए कहा कि उन्होंने कई आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। पीटीआर ने बयान में कहा, इसलिए मैं इस मोड़ पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट को अब दोहराया गया है और बेईमान राजनीतिक खिलाड़ियों द्वारा बढ़ाया गया है। पीटीआर ने कहा, कृपया ध्यान दें कि कथित क्लिप का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तकनीकी विश्लेषण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह प्रामाणिक नहीं है। उन्होंने कहा, आसानी से उपलब्ध एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने, मनगढ़ंत या मशीन से क्लिप बनाने की क्षमता के कारण हमें आने वाले समय में और अधिक दुर्भावनापूर्ण सामग्री के साथ अधिक ऑडियो और यहाँ तक कि वीडियो क्लिप देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बदनाम करने की सीमा को पार किया गया तो मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पीटीआर ने सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी किया है उसके लिए स्टालिन को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि हमें बांटने का कोई भी दुर्भावनापूर्ण प्रयास कभी सफल नहीं होगा। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।